हब्स स्विच एंड राउटर्स। तो यहां पे हब्स क्या है, स्विचेस क्या है एंड राउटर्स क्या है, इसको हम कवर अप करते हैं पहले। तो पहले हम बात करते हैं यहां पे हब की। तो हब यू कैन सी ये एक ऐसा आपका सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है जो मल्टीपल एंड डिवाइसेस के बीच में जो है इसको कनेक्ट किया जाता है। ये आपका एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, इसको नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस बोला जाता है। नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज अगर कोई भी से फॉर एग्जांपल आपका जो लैपटॉप है वो अगर प्रिंटर को आपका डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो ये हब जो है जो भी पैकेट आपके जो डेटा जो आपका आ रहा है लैपटॉप से हब के पास, ये हब क्या करता है उसके मल्टीपल जितने भी इसके अदर पोर्ट्स कनेक्टेड है उनके उतने नंबर ऑफ टाइम जो है उसको एक मिरर कॉपी बना लेता है, यानी कि उसकी जेरोक्स कॉपी बनाता है और सभी जितने भी पोर्ट्स कनेक्टेड हैं उनके ऊपर में ट्रांसमिट कर देता है। ट्रांसपोर्ट करने से जितने भी डिवाइस हैं सभी के पास में वो आपका डेटा जाता है। भले ही यहाँ पे वन टू वन कम्युनिकेशन जो पॉसिबल हो सकता है लेकिन क्योंकि बीच में हमने एक हब जो कि एक नॉन टेक आपका इंटेलिजेंट डिवाइस है इसीलिए जो है ये आपका बार बार जो है फ्लडिंग करता है, बार बार जो है ये ब्रॉडकास्टिंग के जरिए डेटा को ट्रांसपोर्ट करता है। अब यहाँ पे हम अगर स्विचेस की बात करें तो स्विचेस जो हैं ये आपके एक इंटेलिजेंट डिवाइस के आते हैं बिकॉज इनको इंटेलिजेंट इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनके पास में एक फीचर है विच इज़ कॉल्ड मैक एड्रेस टेबल। ये मैक एड्रेस टेबल को मेंटेन करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे लैपटॉप वन जो है वो प्रिंटर को डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है तो जैसे ही वो डेटा आपका लैपटॉप से स्विच के पास में पहुंचेगा तो ये स्विच जो है उसका जो पोर्ट है उससे डेटा को रिसीव करने के बाद अपने मैक एड्रेस टेबल को अपडेट कर लेगा कि वहां से क्या जो मैक एड्रेस उस पोर्ट के ऊपर में अवेलेबल है। तो जहां पर वो डेटा जाना है तो फर्स्ट टाइम में अगर आप उसके पास में मैक टेबल के अंदर कोई एंट्री नहीं है तो ये सभी डिवाइसेस के पास में डेटा को ट्रांसमिट करेगा लेकिन साथ ही साथ जब वो प्रिंटर उसको रिप्लाई कर देगा तो यहां पे जो है ये वापस उसको उसका जो मैक एड्रेस है उसको लर्न करने के बाद अपने जो मैक एड्रेस टेबल है उसके अंदर अपडेट कर लेगा। ऐसे ही अगर आपका जो है लैपटॉप टू जो है वो आपका डेटा सेंड करना चाहता है से फॉर एग्जांपल सर्वर को तो ऐसे में जो है जैसे ही वो लैपटॉप टू से डेटा को रिसीव करेगा तो उसका मैक एड्रेस ऐड कर लेगा आप उस नेट पर्टिकुलर पोर्ट के सामने तो जो भी उसका मैक एड्रेस है। और वैसे ही जब आपका सर्वर जो है वापस रिप्लाई करेगा और उसके बाद जो है ये उसका मैक एड्रेस भी लर्न करके अपने मैक टेबल के अंदर डाल देगा तो जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेटा ट्रांसमिट होता है तब आपका यहाँ पे फ्लडिंग किया जाता है यानी कि ब्रॉडकास्टिंग आएगी उसको नेटवर्क को उस पर्टिकुलर डेटा को मल्टीपल पोर्ट्स के ऊपर में भेजा जाता है। लेकिन जब यहाँ पे वापस आपका वन टू वन कम्युनिकेशन एक बार मैक टेबल अपडेट हो गया उसके बाद जब कंप्यूटर्स या कोई भी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो ये इस मैक टेबल का इस्तेमाल करके वन टू वन यूनिकास्ट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। तो अगर वहाँ यहाँ पे बात करें राउटर्स की तो राउटर जो है ये आपका एक अगेन इंटेलिजेंट डिवाइस है राइट। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका ब्रॉडकास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये उसको इस्तेमाल नहीं करता। जो राउटर है ये आपका एक ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवा सकता है। अगर हम मल्टीपल नेटवर्क्स को स्विच के जरिए कम्युनिकेट करने की बात करें तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज आपका जो स्विच है वो सिर्फ मैक एड्रेस बेसिस पे डेटा को ट्रांसमिट करता है। लेकिन आपका राउटर है या यू कैन सी यहाँ पे स्विच नंबर वन के पास में हमारे पास 10.1.1.0/24 का नेटवर्क है, वहीं पे स्विच नंबर टू के पास में 192.168.1.0/24 का नेटवर्क है और इंटरनेट के साइड में 192.0.2.0/30 का नेटवर्क जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो ये क्या करेगा यहाँ पे राउटर जो है हमें जितने भी इसके पोर्ट हैं उनके ऊपर में हमें उसका रेस्पेक्टिव जो नेटवर्क है वो हमें कॉन्फिगर करना पड़ेगा और ये आपका गेटवे भी कहलाता है इनका लोकल एरिया नेटवर्क्स का क्योंकि ये आपके मल्टीपल आपस में नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाने के लिए एस्टैब्लिश किया जा सकता है। तो ये आपका जो है ऐसा डिवाइस जो मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवा सके ऐसे डिवाइस को हम लोग यहाँ पे राउटर कहते हैं।